अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 113 चैप्टर नंबर 3 बाइनोमियल थ्योरम, इसकी रेशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बुक में क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है। और इसमें आपने क्या करना है कि इसको तीन टर्म तक एक्सपैंड करना है बाइनोमियल थ्योरम। और अगर हम देखें तो इसकी पावर यहाँ पे 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स है क्वेश्चन नंबर 13 जो है। और अगर आप इसको करते हैं इस तरह से कि ये 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर हो जाएगी, यहाँ पर नीचे आपकी जो है फ्रैक्शनली 1 ओवर 2 है, ऊपर जाकर ये आपकी पावर जो है 1 प्लस एक्स की पावर फ्रैक्शनली नेगेटिव माइनस 1 डिवाइड बाय 2 हो रही है। पॉजिटिव भी रहती है या नेगेटिव भी हो तब भी आप इसको फैक्टोरियल सही कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो 4, 5, 6 वैल्यू हो तो एनसीआर से सोल्व होती है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके जो है वो फैक्टोरियल से ही सोल्व होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a जो है वो 1 है, उसकी पावर हो जाएगी मैक्सिमम, और b x है, इसकी पावर हो गई मिनिमम 0, और नीचे डिवाइड में 0 का फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर प्लस करें, और यहाँ पर पहले आपने लिखनी है पावर शुरू में, ठीक है, और a की पावर में आपने यहाँ पर एक कम कर लेना है, और b की पावर में आपने एक ऐड करते हुए नीचे 1 का फैक्टोरियल लगा देना है। फिर प्लस कर लें, फिर आपने यहाँ पे पावर, ये तीसरी टर्म है, तीन टर्म तक एक्सपेंड करना है। पावर शुरू में पहले आपने लिख लेनी है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद आपने पावर लिखते हुए उसमें से एक कम भी कर लेना है, और ए जो है उसकी पावर में आपने पहले एक कम किया था, 2 कम कर दें, और बी की पावर में 2 ऐड करके नीचे 2 का फैक्टोरियल लगा दें, यानी 2 का, और प्लस सो ऑन ये आपका चलता जाए। यहाँ तक तीन टर्म हमने एक्सपेंड कर लिया, अब सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 आ जाएगा, 0 का फैक्टोरियल भी 1 है ये जो नीचे, और किसी भी चीज़ की पावर 0 भी 1 ही होती है। फिर प्लस आ गया, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2, ये 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं है, और ये x ही रहेगा, 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होगा। फिर प्लस आ गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस में 1 ओवर 2, ये पता आपको माइनस 1 ओवर 2 और माइनस 1 यानी आधा है और फुल है, दोनों मिलाएंगे तो डेढ़ बन जाएंगे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3 डिवाइड बाई 2, डेढ़ 3 का हाफ होता है 1 का आ जाएगा, यानी तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये होती है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 2 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो गए, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और इसके साथ ही ये लास्ट में आपका 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आ गया, और x का स्क्वायर आ गया, और डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 1 करें तो 1 ही आएगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 डिवाइड बाय 2 और x आ जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है ना, इस स्टेप में अगर आप देखें तो प्लस ये हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 3 1 3 और 2 2 4 हो गया, ये नीचे 2 ओवर 1 है, जिसने ऊपर जाकर 1 ओवर 2 हो जाएगा मजीद, ठीक है, और x का स्केयर आ जाएगा और प्लस 100। बात को लाजमी याद रखिए, ये आपका 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आपका 3 डिवाइड बाय 4 टू द 8 x स्केयर और प्लस 100। तो यहाँ बेसिकली बताता हूँ आपको, ये 2 ओवर 1 ऊपर जाके 1 ओवर 2 कैसे हुआ, देखें 2 नीचे हो रहा है डिवाइड, ठीक है ना, बल्कि नीचे हो रहा है मल्टीप्लाई, 1 डिवाइड हो रहा है, 1 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके 1 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, अगले स्टेप में देखें, और 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे आके डिवाइड हो गया, ऊपर जाके वैल्यू उलट जाएगी, ये याद रखिएगा, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा। बस इतना ही काम थी, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है 1 माइनस x ओवर 2 1 ओवर 2 x और प्लस 3 डिवाइड बाई 8 x स्क्वायर प्लस 4, यही हमारा जो है वो क्वेश्चन का आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वगैरह तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।